क्या आप इसी तरह बोलकर लिखना चाहते हैं जिस तरह मैं लिख रहा हूं? जैसा कि आपने देखा, मैंने जो भी बोला वो ऑटोमेटिकली आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है। तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरह बोलकर लिख सकते हैं, वो भी हमारी मातृभाषा हिंदी में, टेक्स्ट टू स्पीच इन हिंदी। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि मैंने जो भी बोला वो आपके सामने एक टाइपिंग के तौर पर आ गया है। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह बोल कर लिख सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी लिख सकें, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी नहीं लिख पाते और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इंग्लिश लिखनी नहीं आती, केवल पढ़नी आती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी वेबसाइट और ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप कुछ भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में टाइप हो जाएगा और आप उस टेक्स्ट को कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप एक ब्लॉगर हो या आपकी एक वेबसाइट है और आप वहाँ कुछ हिंदी में लिखना चाहते हो लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेके चलूंगा जहां आप कुछ भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी भाषा में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगा जिस भाषा में आप जो बोलेंगे। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए मैं आपको उसी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप किस तरह उसके माध्यम से बोल सकते हो और उस टॉपिक को कॉपी कर सकते हो या कहीं भी उसका यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मेरी ही वेबसाइट पे आना होगा। मैंने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा है हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच ऑनलाइन वेबसाइट की जानकारी। मेरे इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरे इस आर्टिकल तक आ सकते हैं। जब आप मेरे इस आर्टिकल पे आएंगे तो आपको यहाँ नीचे आना होगा। नीचे देखिए, यहाँ आपको पिंक कलर में लिखा दिखाई देगा। अगर आप हिंदी या किसी भी भाषा में कुछ भी लिखकर टाइप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करके उस बेहतरीन वेबसाइट पे जाना होगा। तो नॉर्मली आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। ये पूरा का पूरा एक उन्होंने डैशबोर्ड दे रखा है, जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। यहाँ इन्होंने टूल दे रखे हैं और यहाँ देखिए इन्होंने कॉपी का ऑप्शन भी दे रखा है जिसपे क्लिक करके आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। यहाँ आपको एक माइक मिलता है, इसी माइक पे क्लिक करके आप जो भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ देखिए कि लैंग्वेज का ऑप्शन है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग भाषाएं मिलती है, लेकिन हम यहाँ हिंदी को टेस्ट करने वाले हैं कि जो हिंदी में बोला जाता है वो परफेक्टली लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता। तो मैं सीधा यहाँ हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ। हिंदी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लैपटॉप का यूज करें तो आपके लैपटॉप में तो इनबिल्ट माइक होगा, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप का यूज करें तो आपको अलग से माइक लगाना होगा। यहाँ मैं डेस्कटॉप का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने एक अलग से माइक अपने डेस्कटॉप में लगा रखा है। अब मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक भारद्वाज है। मेरी वेबसाइट का नाम हिंदी टेक गुरु है। जैसा कि आपने देखा, मैं जो भी बोल रहा हूं वो आपके सामने लिखा आ रहा है, और जब मैं चुप हो रहा हूं तो जो मैंने बोला है उसकी एक लाइन आपके सामने लिखी हुई आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मेरे सामने हिंदी में ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है कितनी परफेक्ट रूप से आपकी हिंदी को सपोर्ट कर रही है। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये उस कमियों को भी उसी रूप में दिखा रहा है जो कमियां इसको सुनाई दे रही हैं। तो चलिए अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम इस टेक्स्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। मैं यहां से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।
अब देखिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है और जो भी मैंने बोला है वो आपके सामने आ चुका है और बिल्कुल 99% परफेक्टली रूप से यह वर्क कर रहा है। जो भी मैंने बोला है वो आपके सामने आ गया है, यानी आप कुछ भी बोलिए हिंदी में वो आपके सामने कुछ इस तरह लिखा जाएगा, आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पीड में लिखना चाहते हैं तो आप जो भी बोलेंगे वो आपके सामने कुछ इसी तरह लिखा आएगा। अब बात करते हैं कि आखिर जो हमने लिखा है उसको हम यूज कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिखाई देता है, आप नॉर्मली इस वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने ये मैटर कॉपी हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जाके पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना वर्ड पैड ओपन कर लेता हूँ और देन कंट्रोल वी का बटन प्रेस करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ आ चुका है, यानी जो मैंने बोला था पूरा पूरा यहाँ आ चुका है। इस फोन को मैं आपको ये देखिए बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए तो देखा आपने कितना आसान था इस वेबसाइट के माध्यम से कुछ भी बोलकर कुछ भी टाइप करना। तो आप यहाँ हिंदी भाषा के अलावा किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ इंग्लिश भाषा का यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप यहाँ से इंग्लिश को सेलेक्ट करिए और देन यहाँ माइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि पेड वर्जन में भी आपको यहाँ काफ़ी सारे विकल्प मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ केवल फ्री वर्जन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसका फ्री वर्जन यूज करता हूँ। अब बात करते हैं इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए भी आपको मेरी वेबसाइट पे आना होगा, यहीं पर आपको देखिए नीचे लिखा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप इस टूल को अपने मोबाइल पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट टू स्पीच ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते ही आप गूगल प्ले की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो भी बोलेंगे वो टेक्स्ट के रूप में आपके मोबाइल में लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस आर्टिकल के माध्यम से आपको डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच का ऑनलाइन वेबसाइट मिली होगी और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिली होगी जिसका यूज आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इस वेबसाइट के माध्यम से किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप स्क्रीन भी देखने में मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा इस वेबसाइट से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए, ताकि जो लोग एक टेक्स्ट टू स्पीच वाली वेबसाइट सर्च कर रहे हैं उनको मेरे इस वीडियो के माध्यम से टेक्स्ट टू स्पीच की इस बेहतरीन वेबसाइट का लिंक मिल सके, जिसके माध्यम से वो हिंदी में भी बहुत ही आराम से बोल कर लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।